गुड मॉर्निंग एवरीवन। पीछे की क्लास में हम लोग रेडियल ड्रिल मशीन के बारे में बात किए थे। रेडियल ड्रिल मशीन क्या है, जितना भी प्रकार का हमने ड्रिलिंग मशीन पढ़ा, सबसे बेसिक डिजाइन का हमारा क्या है, रेडियल ड्रिल मशीन है। इसमें क्या होता है, हमारा ऑटोमेटिक फीड का भी मैकेनिज्म लगा होता है। इसका आर्म हमारा क्या होता है, 360 डिग्री में घूमता है और इसका बेस हमारा नीचे दिया हुआ है, जिसके कारण क्या होता है, इसमें बड़े से बड़े हैवी वर्कपीस जो है उस पर हम लोग ड्रिलिंग ऑपरेशन कर लेते हैं। वो हैवी वर्कपीस अगर हमारा इसका टेबल पे वर्किंग टेबल पे अगर नहीं आता है, तो उसके अलावा अगर उसके समीप में भी आ जाता है तो क्या करता है, इसका आर्म 360 डिग्री के रेंज में घूमता है। उस रेंज में अगर हमारा वर्कपीस आता है तो क्या करेगा, वो बिना इसके वर्कपीस में वर्किंग टेबल में बांधे ही वो क्या करेगा, अपना ड्रिलिंग ऑपरेशन को कर लेगा और अपना कार्य को पूरा कर लेगा। ये सारा कार्य हमारा क्या, ये ड्रिल मशीन, रेडियल ड्रिल मशीन होने से हमारा ये संभव हो जाता है। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्रिलिंग करने के समय में जो फीड हम लोग मैनुअली देते थे, वो फीड हम लोग इसमें ऑटोमेटिक दे सकते हैं। और इसका आर्म में लगे कैरिज को हम लोग क्या कर सकते हैं, आर्म की लंबाई तक आगे पीछे स्लाइड हम लोग कर सकते हैं, जिसके बारे में डिटेल से हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं। आज के क्लास में और दो टाइप के ड्रिल मशीन है जिसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। टाइप ऑफ ड्राइविंग, ये जो हमारा ड्रिल मशीन ऑपरेट होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम आज के टॉपिक को पहले नोट करते हैं, आज के टॉपिक हमारा क्या है। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है, मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन। मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग, मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन, मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन, मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन हमारा क्या होगा। अभी तक जितना भी हमने ड्रिल मशीन के बारे में बात किया, सारा हमारा क्या था, सिंगल स्पिंडल का था, जिसको हम लोग ऑपरेट करने के बाद में हमारा क्या होता था, एक बार में एक ही सुराख हमारा क्या होता था, तैयार होता था। लेकिन मल्टी स्पिंडल मतलब स्पिंडल की संख्या इसमें मल्टी है, मतलब दो से अधिक है, दो या दो से अधिक हमारा यहाँ पे स्पिंडल होगा, यानी कि मल्टी स्पिंडल ड्रिल मशीन का वहां पे प्रयोग किया जाता है, जहां पे हमको क्या होता है, एक बार में दो या दो से अधिक सुराख तैयार करना हो। जैसे हमारा ये एक वर्कपीस है, इसमें हमको कुछ डिस्टेंस पे चार सुराख तैयार करना है, तो हम लोग जनरली ड्रिलिंग मशीन से ड्रिलिंग ऑपरेशन करेंगे, क्या होगा, एक दो तीन चार बार हमको ऑपरेशन करना होगा, ज्यादा टाइम बर्बाद हो रहा, चार बार हमको सेट करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन यही अगर मल्टी स्पिंडल ड्रिल मशीन का हम लोग प्रयोग करेंगे, जिसमें क्या होगा हमारा चार स्पिंडल, इसमें क्या होगा हमारा मल्टी स्पिंडल का लगा ही रहता है, जितना हमारा स्पिंडल लगा देंगे उतना स्पिंडल का हमारा हो जाएगा, क्योंकि चार बॉल तक चार बॉल का हम लोग इसमें सेट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मल्टी स्पिंडल ड्रिल मशीन को स्टार्ट करेंगे, इसको एक बार जो फिट हम लोग देंगे, एक ही फीड से हमारा क्या होगा, एक बार जो मोटर स्टार्ट करेंगे उसी से क्या होगा हमारा चारों ऑपरेट हो जाएगा, एक हॉर्न सुराख तैयार होते होते चारों सुराख हमारा तैयार हो जाएगा। यानी कि मल्टी स्पिंडल ड्रिल मशीन हमारा जो है, जिसका प्रयोग हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ही बार में चारों हॉर्न में सुराख करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। एक बार हम लोग इसका प्रयोग करेंगे तो इससे हमारा क्या होगा, चारों में सुराख हमारा क्या होगा, एक ही साथ तैयार हो जाएगा। इसके लिए हमको क्या करना होगा, अलग अलग फीड हमको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अलग अलग हमको इसमें ऑपरेशन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इससे हमारा क्या क्लियर हुआ, मल्टी स्पिंडल ड्रिल मशीन हमारा क्या है, ऐसा मशीन है जिसमें प्रत्येक स्पिंडल के साथ हमारा क्या होता है, अपना मोटर नहीं लगा होता है, प्रत्येक स्पिंडल को ऑपरेट करने के लिए हमारा क्या होता है, एक ही मोटर होता है, एक ही मोटर होता है।
मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन में जितने भी स्पिंडल होते हैं सबको ऑपरेट करने के लिए हमारा क्या होता है, सबको हैंडल करने के लिए हमारा एक ही मोटर लगा होता है। एक बार स्विच ऑन करने से हमारा सारा स्पिंडल घूमना स्टार्ट कर देता है और जिस प्रकार से हमको सेटिंग करना है उस प्रकार से उसमें हम लोग क्या करेंगे, ड्रिल बिट सेट कर लेंगे, साइज सेट कर लेंगे और सेंटर सेट कर लेंगे और एक बार में मोटर स्टार्ट कर देंगे तो हमारा क्या करेगा, एक बार में दो या दो से अधिक जितने भी हमको सुराख तैयार करना उतना हमारा तैयार हो जाएगा। तो ये हमें कहाँ पे जरूरत पड़ती है, जहाँ पे मास प्रोडक्शन करना होता है एक ही तरह के हमको क्या करना था, बहुत सारे पार्ट्स को क्या करना, मैन्युफैक्चरिंग करना होता है, बहुत सारे लाखों करोड़ों में हमको प्रोडक्ट पीस तैयार करना, तो वहाँ पे एक एक करके करेंगे टाइम भी बर्बाद होगा, बार बार सेंटर करने में हमारा वर्क पीस भी बर्बाद होगा। तो वैसे जगह पे क्या किया जाता है, एक चेन टाइप से हमारा इसको क्या तैयार कर दिया जाता है, स्पिंडल को हमारा सेट करके छोड़ देता है, उसके बाद बार बार हम लोग वर्क पीस को देते जाते हैं, एक बार मोटर स्टार्ट करके फिट देते तो हमारा चार ड्रिल हो जाता है, छह ड्रिल हो जाता है, जिस साइज में हमारा ड्रिलिंग है, चेन ड्रिलिंग है, जो भी ड्रिलिंग है सारा हमारा क्या हो जाता है, एक ही बार में हमारा हो जाता है। ये कैसे संभव होता है, मल्टी स्पिंडल हमारा ड्रिल मशीन है, इसके कारण हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ही बार में दो या दो से अधिक सुराख को हम लोग इससे कर सकते हैं। और इसमें जितना भी हमारा स्पिंडल होगा सारा स्पिंडल को फीड देने के लिए हम लोग, हम तो बार बार बात कर रहे हैं क्या, सारा स्पिंडल को हम लोग जो फीड देंगे एक ही फीड हैंडल के द्वारा, एक ही लीवर के द्वारा हम लोग इसको क्या करेंगे, फीड देंगे, एक को फीड देंगे, जितना एक को फीड देंगे बाकी सब में हमारा फीड उतना ही बढ़ेगा। इसमें क्या होगा, एक ही मोटर से हमारा सारा स्पिंडल कनेक्ट होता है, एक ही मोटर घूमने के कारण हमारा क्या होता है, एक मोटर जिस स्पीड से घूमता है हमारा चारों स्पिंडल उसी स्पीड से घूमना स्टार्ट कर देता है और उसमें हमारा जो फीड रॉड कनेक्ट होता है उसमें हमारा जो क्या होता है, फीड सा जो होता है हमारा फीड देने का लीवर जो होता है कनेक्ट होता है उससे, जैसे हम लीवर से फीड देते हैं सब में हमारा क्या होता है समान फीड पड़ता है और हमारा ड्रिलिंग ऑपरेशन को कर देता है। तो इसका ज्यादातर हम लोग कहाँ पे प्रयोग करते हैं, मास प्रोडक्शन के वर्कशॉप में प्रयोग करते हैं। कहाँ पे करते हैं, मास प्रोडक्शन के वर्कशॉप में इसका प्रयोग करते हैं। ये जनरली हम लोग को आईटीआई में देखने के लिए नहीं मिलता है, ठीक है। अब दूसरा इसके बाद हमारा इसी तरह का कुछ है, एक गैंग ड्रिलिंग मशीन, दूसरा हमारा हो गया गैंग ड्रिलिंग मशीन। गैंग ड्रिलिंग मशीन हमारा क्या होता है, गैंग ड्रिलिंग मशीन भी हमारा क्या होता है, मल्टी स्पिंडल ड्रिल मशीन की ये तरह होता है, बस इसमें ऑपरेशन करने का फंक्शन हमारा सिर्फ अंतर होता है। इसमें भी हमारा क्या होता है, दो या दो से अधिक हमारा स्पिंडल लगा होता है। गैंग मतलब गैंग से क्लियर हो रहा है कि गैंग हमारा एक आदमी का गैंग नहीं बनता, उसमें गैंग बनाने के लिए दो या दो से अधिक आदमी का जरूरत पड़ता है। उसी प्रकार इसमें भी हमारा क्या होगा, गैंग ड्रिल मशीन में दो या दो से हमारा अधिक स्पिंडल होगा, दो से कम स्पिंडल डालने से हमारा गैंग ड्रिल मशीन ये नहीं कहलाएगा, ठीक है। इसमें क्या हो रहा था, हमारा मल्टी स्पिंडल ड्रिल मशीन सेट होता है जिसमें हमारा क्या होता है, प्रत्येक स्पिंडल से हमारा क्या होता है, एक एक मोटर कनेक्ट होता है। गैंग ड्रिल मशीन में हमारा क्या हो रहा है, प्रत्येक स्पिंडल के साथ हमारा एक एक मोटर कनेक्ट रहता है। जैसे हमारा ये स्पिंडल हो गया, चार स्पिंडल हो गया हमारा, चार स्पिंडल, चारों स्पिंडल के साथ हमारा क्या होता है, एक एक मोटर हमारा कनेक्ट होता है। चारों स्पिंडल के साथ हमारा क्या होता है, एक एक मोटर हमारा कनेक्ट होता है। इसको ऑपरेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जिस स्पिंडल को हमको चलाना है उसके लिए उसका स्विच ऑन करना होगा, उसके मोटर को ऑन करना होगा और ड्रिलिंग ऑपरेशन करने के टाइम में हमको क्या करना होगा, मैन्युअली सिंगल सिंगल हमको क्या करना होगा, सिंगल सिंगल फीड देना पड़ेगा। एक बार में फीड देने से हमारा सब में ऑपरेट नहीं करेगा, एक बार में स्टार्ट करने से सारा स्पिंडल हमारा नहीं घूमेगा। इसमें क्या होता है, जब हमको जो जिसको घुमाना होता है उसको हम लोग इसमें घुमा सकते हैं।
उसके बाद इसमें क्या होता है, अलग अलग मोटर लगा के हमको क्या करना होता है, अलग अलग इसको हम लोग घुमा सकते हैं, ठीक है। लेकिन वही मल्टी स्पिंडल ड्रिल मशीन में हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टी स्पिंडल ड्रिल मशीन में हम लोग उसको अलग अलग प्रयोग नहीं कर सकते। उसमें क्या होता है, एक बार में जो हम लोग फीड दे देते हैं, एक बार में जो कनेक्ट कर लेते हैं, वो एक ही बार में हमारा सारा चलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो यही हमारा इसमें अंतर था। गैंग ड्रिल मशीन में हम लोग क्या देखें, इसका भी प्रयोग कहाँ होता है, जहाँ मास प्रोडक्शन होता है वहाँ पे भी इसका हमारा प्रयोग किया जाता है। जनरली वर्कशॉप में इसको हम लोग आईटीआई के वर्कशॉप में देखने के लिए हमारा एक ड्रिल मशीन नहीं मिलता। ये भी हमारा कहाँ पे प्रयोग होता है, जहाँ पे मास प्रोडक्शन होता है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होता है, वहाँ पे ही हमारा ये गैंग ड्रिल मशीन देखने के लिए मिलता है। इसमें भी क्या होता है हमारा, जब हम लोग कोई भी वर्क पीस प्लेट पे हम लोग क्या करते हैं, दो या दो से अधिक हॉल सुराख अलग अलग सेंटर पे हम लोग को तैयार करना होता है, तो क्या करते हैं इसको हम लोग अलग अलग सेंटर पे हम लोग इसको पहले सेट कर लेते हैं। इसको क्या करेंगे, हम लोग मैनुअली ऑपरेट कर सकते हैं, इसको क्या करेंगे, वन बाय वन हम लोग इसको ऑपरेट करते हुए हॉल को तैयार कर सकते हैं, इसको हम लोग वन बाय वन तैयार कर सकते हैं। लेकिन हमारा इसके पहले जो मल्टी स्पिंडल ड्रिल मशीन पड़ रहे थे, उसमें क्या हो रहा था, हमारा एक ही बार में हमारा जैसे पांच अगर स्पिंडल लगाया तो मोटर ऑन करते ही पांचों स्पिंडल हमारा घूमना स्टार्ट कर देता था, और फिट देते ही पांचों हमारा कटिंग करना स्टार्ट करता। ये हमारा वैसा नहीं करता था। इसमें क्या होता है हमारा, जितना बार हम लोग ऑपरेट करेंगे, जितना बार फिट देंगे, वही हमारा ऑपरेट करेगा। जिसको हम लोग चलाना चाहेंगे वो मेरा चलेगा, जिसको नहीं चलाना चाहेंगे वो हमारा बंद रहेगा। ये हमारा क्या था, गैंग ड्रिल मशीन, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, आज के क्लास का समरी देख लेते हैं कि आज के क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग क्या, सबसे पहले मल्टी स्पिंडल ड्रिल मशीन के बारे में बात की है, जिसमें हम लोग क्या देखे, मल्टी स्पिंडल ड्रिल मशीन और गैंग ड्रिल मशीन हमारा दोनों एक ही जैसा होता है, बस अंतर क्या होता है, दोनों का मैकेनिज्म में अंतर होता है, दोनों का चलने का और वर्किंग प्रोसेस में अंतर होता है। मल्टी स्पिंडल ड्रिल मशीन हमारा क्या रहता है, एक बार ऑपरेट करने से चारों पांचों जितना भी स्पिंडल हमारा लगा हुआ है सारा एक साथ हमारा ऑपरेट होना स्टार्ट हो जाता था। उसमें फिट देने के लिए हमको एक ही बार फिट देने से सब में फिट पड़ता था। लेकिन गैंग ड्रिल मशीन में हमारा क्या होता है, एक में फिट देने से हमारा क्या होता है, एक ही चलता है। इसको चलाने के लिए हमको प्रत्येक स्पिंडल के साथ साथ अलग अलग मोटर हमारा लगा होता है, और मल्टी स्पिंडल में क्या होता है, एक ही मोटर हमारा सारा स्पिंडल के साथ जुड़ा होता था। लेकिन गैंग में क्या होता है, प्रत्येक स्पिंडल के साथ हमारा अलग अलग मोटर हमारा क्या होता है, जुड़ा होता है। अलग अलग मोटर जुड़ा होने के कारण सब में हमारा अलग अलग लीवर लगा होता है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग हम लोग उसको फीड देते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है जो भी आज के क्लास में हम बात किए अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइप ऑफ ड्राइविंग के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोग ये जो ड्रिल मशीन है, ये हमारा किस प्रकार से काम करता है, ये चलता किस तरह से है। इसमें हमारा ड्रिल को चलने के लिए क्या होता है, बाह्य फोर्स का जरूरत पड़ता है, बाहरी फोर्स का जरूरत पड़ता है, तो हम लोग कैसे इसके स्पिंडल तक लाते हैं उसके बारे में हम लोग आगे क्लास में बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे कैसे हम लोग इसके स्पीड को कभी कम कभी अधिक स्पीड में हम लोग दो या दो से अधिक प्रकार के गति में हम लोग इसको चला सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास।